हरे कृष्णा, मैं स्कॉन दिल्ली से हरे राम हरे कृष्णा मधुसुंदर दास बोल रहा हूँ। आज हर व्यक्ति का एक प्रश्न होता है कि कैसे सुख प्राप्त हो, कैसे शांति प्राप्त हो। तो बहुत से विज्ञापन देखे जाते हैं कि आपको जो है पीस और हैप्पीनेस है, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे कई जो है आज हम लोग जो है ऐड देख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तव में सुखी कौन हो सकता है, कैसे सुख प्राप्त हो, कैसे शांति प्राप्त हो, इसके लिए वास्तव में कोई भी सच्चा मार्ग बता नहीं पाता है। वास्तव में खुश होने का, शांति का मार्ग जो है वह गीता में मिलता है। बचपन से ही जो है हम लोग सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि हमें सुख प्राप्त होगा तो क्या है, माँ बाप ने हमें पढ़ाई ला दी। और उसके बाद जब हम छोटे बड़े होते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री के लिए संघर्ष करते हैं, है, और फिर जो सोचते हैं कि ठीक है डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पाता है। और फिर जो सोचता है कि ठीक है मैं अगर विवाह कर लूँगा, कोई लड़की होगी वो मुझे सुख देगी, लेकिन वो विवाह करता है, लड़की आती है, शादी होती है तो और उलझन हो जाती है, क्योंकि स्त्री का मतलब होता है विस्तार, तो विस्तार हो जाता है। विस्तार किसका होता है, विस्तार हो जाता है रिश्तेदारों का, विस्तार होता है कपड़ों का, घरों का, है इस तरीके से जो है बहुत विस्तार होता जाता है, है। तो व्यक्ति जो है और फंसता जाता है, फिर वो सोचता है ठीक है अच्छा बच्चे हो जाएंगे तब तो मैं सुखी हो जाऊँगा। फिर जो है बच्चे होते हैं, वो सोचता है अब मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनकी पढ़ाइयाँ होती हैं, उनको जो है ट्यूशन भेजना है और उनके खर्चे हैं, तो और उलझ जाता है। व्यक्ति सोचता है कि ठीक है अब सुखी होऊंगा, अब सुखी होऊंगा, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पाता है। फिर वो सोचता है ठीक है इन बच्चों की शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बच्चों की शादी होती है फिर कई दामाद से परेशानियाँ, कभी सासू से, कभी किससे परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए वास्तव में जो है हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, तो सोच रहा है यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन ये वैसे ही है जैसे कि रेतीले इलाके में जब हिरन भागता है वो सोचता है कि मुझे यहाँ पानी मिलेगा, लेकिन पानी की प्राप्ति नहीं होती है। तो यही है, आदमी को वास्तव में हमें समझना चाहिए कि सुख कहाँ पर है, सुख का स्रोत क्या है। तो इसलिए भगवद्गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता राम व्यक्तसाम सर्वलोकमेश्वरम सूर्द सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मर्षति। वास्तव में मुझे जो सारे जगों का तपस्याओं का भोक्ता जानता है, मुझे जो है जानता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, उसे ही शांति प्राप्त होती है। तो वास्तव में जो कृष्ण को जान जाता है, जो भगवान को जान जाता है, तो उसे ही शांति प्राप्त होगी। इस स्त्री में या बच्चों में या ये इसमें परमानेंट शांति नहीं मिल सकती। हाँ कुछ समय तक शांति मिल सकती है, कुछ समय तक खुशी मिल सकती है, लेकिन परमानेंट शांति नहीं मिल सकती। जैसे किसी के पास हम जाएँ, वो लखपति हो, उसे बोले करोड़ रुपये दो मुझे, तो करोड़ रुपये कहाँ से देगा, वो खुद लखपति है। तो भगवान का नाम है आनंदमय, आनंद मूर्ति, आनंद घन। तो जिसके पास आनंद है वही आनंद दे सकता है, है। इस खाल में क्या आनंद प्राप्त होगा, हम लोग स्त्री की खाल से आकर्षित होते हैं, उस खाल में क्या आनंद प्राप्त होगा, है। जो जड़ चीज़ है वो जड़ को क्या आनंद देगी, है। जड़ को आनंद नहीं दे सकता। तो उसके लिए क्या है, चिन्मय चाहिए। तो वो हैं भगवान, हमारी आत्मा, ये सब चिन्मय हैं। तो आत्मा का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। जब आत्मा को भगवत प्राप्ति होती है, भक्तों के संपर्क में आता है, तभी वो जो है सुखी हो पाता है, है। तो इस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो वास्तविकता जो है क्या है, कैसे सुख प्राप्त होगा, जब हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, है। जैसे मान लीजिए ये जो शरीर है, ये शरीर है, है, और इसका ये हाथ जो है इसका पार्ट है। अब ये जो है हाथ सोचे कि मैं रोज़ इसको लड्डू खिला रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अपने आप खा लेता हूँ, तो क्या होगा, इसके हाथ में लड्डू रखा रहेगा और ना इसको शक्ति मिलेगी ना शरीर को शक्ति मिलेगी, तो सूख जाएंगे दोनों। अगर इसको शक्ति चाहिए हाथ को तो क्या करे, ये लड्डू मुख में डाल दें, इसको अपने आप शक्ति मिल जाएगी, है। उसी तरीके से
वृक्ष होता है, पेड़ है, पेड़ के अगर हम लोग जड़ में पानी डाल दें तो शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं 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 मैं तो फल में भी डालूंगा, मैं पत्तियों में भी डालूंगा, तब जाके जो है खुशी होगी, तब जाके जो है ये पेड़ फलेगा फूलेगा, तो मूर्ख है। तो उसी तरीके से ये सारी शाखाएँ हैं, हमारे पत्नी, बच्चे, हमारे बिजनेस वगैरह, ये सब शाखाएँ हैं, फल हैं, और जड़ क्या है, वो है भगवान। तब उसमें हम पानी डाल देंगे तब क्या है, वास्तविकता सुख प्राप्त होगा। तो ये सुख का मार्ग है अगर हम लोग कृष्ण को प्रसन्न कर लें, हैं तो इसलिए जो है शास्त्रों में बताया गया कि एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने से सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में पलवल, फरीदाबाद, होटल अपने आप पड़ जाते हैं, तो हमारा लक्ष्य अगर हायर होगा तो ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि हम आपको ये दें कि हाँ आप ही ब्रह्मचारी बन जाओ, आप भक्त बन जाओ, नहीं, घर में रहते हुए ही आप कृष्ण भावना मत को स्वीकार करिए, भक्त बनिए, और परिवार को भी भक्त बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे भक्त बनना है, आप सब कुछ करते हुए, जैसे भगवान गीता में कहते हैं तस्मा सर्वे सु काले सु मा मनुष्य युद्ध जा, कि हे अर्जुन तुम युद्ध करते हुए मेरा चिंतन करो, युद्ध भी करो मेरा चिंतन भी करो, यानी अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ देखो और मुझे भी ध्यान करो, मेरा भी ध्यान करो। हाँ, क्योंकि गीता का ज्ञान किसको दिया, अर्जुन को, वो ग्रस्ता है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, सन्यासी नहीं है, तो ग्रस्ता है, तो ग्रस्त में रह के भी जो है भक्ति कर सकते हैं। भगवान जैसे कहते हैं इस संसार में कैसे रहना है, जैसे कमल पत्र पे जल नहीं ठहरता है, कमल का पत्ता देखते हैं ना, उसमें जल ठहरता नहीं है, मोती जैसा बन जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पत्नी के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, ये सब कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब करते रहें, लेकिन ध्यान कैसे रखें, भगवान की ओर रखें। जैसे एक पनघट पर स्त्री जाती है पानी भरने के लिए, वो मटकी सर पे होती है, बच्चे को खिलाती है, रास्ते में कोई आता है राम राम होती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, मटकी पे रहता है। तो उसी तरीके से सारी ड्यूटीज़ करें, सब कुछ करें, लेकिन ध्यान परमात्मा में करें, भगवान में करें, तब जो है वास्तविक शांति प्राप्त होगी। तो यह है शांति का सूत्र भगवद्गीता में जो बताया गया है। हरे कृष्ण।